नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ नीलेश पांडे। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ये है रामेश्वरम की सड़कों का, गलियों का, कि रात में रामेश्वरम कैसा दिखता है, उसका जो गली है, उसके रोड्स हैं, मार्केट्स है, वो किस तरह दिखती है, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो दोस्तों ये रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ का स्थान है, वहाँ का नाइट व्यू है। और दोस्तों ये बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा यहाँ का होता है, दिन में भी रात में भी। हालांकि अभी बारिश चालू है तो थोड़ा पब्लिक कम है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों जो गुजरात से जिनको आना है, यहाँ पे तरह के आश्रम्स हैं, धर्मशाला हैं। दोस्तों ये गुजरात भवन है जो रामेश्वरम के ईस्ट गेट के बगल में है। तो जो गुजराती भाई बंधु हैं, अगर वो कभी भी आए रामेश्वरम, यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ खा सकते हैं। दोस्तों रामेश्वरम में अंदर जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पे साउथ इंडियन ही खाना मिलता है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, काफ़ी डेवलप हो चुका है यहाँ पे। आपको नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हर तरीके का खाना जो है व्यंजन आपको यहाँ पे मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे से होटल हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि रामेश्वर आप जब भी आएँ तो 10:30 से 11 के पहले आ जाए रात्रि के, उसके बाद यहाँ खाना मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये शॉपिंग्स हैं और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आकर। ये सामने जो गेट है दोस्तों, ये रामेश्वरम जो रामनाथ स्वामी है उनका ईस्ट गेट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये 12वीं सदी में बना था, 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। 12th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक इस मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों दर्शन कीजिए रात्रि के रामेश्वरम महादेव के, ये ईस्ट गेट के, बहुत ही अद्भुत नज़ारा लगता है। दोस्तों क्या कहें, यहाँ पे आपको जो समुद्र से निकली हुई चीज़ हैं वो सारी आपको यहाँ देखने मिलेगी, स्टॉल्स वगैरह जो भी आप खरीदना चाहें। ये इस गेट हम आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ की एक महिमा है कि आप अग्निकुंड से जब आते हैं वो सामने से, और तब अगर पहली बार अगर आप आते हैं तो आपको 12 कुंड के स्नान करना होता है। वो 12 कुंड का जो वे है, जो रास्ता है, यहीं से गुजरता है। 12 कुंड में आपको नहलाते हैं और नहाने के बाद रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन किए जाते हैं। ये ईस्ट गेट है और काफ़ी मार्केट्स हैं यहाँ पे। काफ़ी साफ सुथरा रहता है रामेश्वरम शहर, ए सिटी, ए टाउन। मंदिर के अगल बगल में दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके बजट के हिसाब से होटल्स हैं यहाँ पे, धर्मशाला हैं। जैसा आपका बजट होगा ऐसे आपको यहाँ पे चीज़ मिलेगी। खाने की जो वैरायटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पे, और हर रोड पे, हर टर्निंग पे, हर जगह पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। और काफ़ी हम्बल्स और ग्रेटफुल पीपल है यहाँ के, काफ़ी कॉपरेट करते हैं, और इंडिया और भारत के विभिन्न क्षेत्र से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं रामनाथ टेम्पल के और रामेश्वर महादेव के। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो यहाँ के लोकल हैं, जो रामेश्वरम के लोकल पब्लिक है, वो हिंदी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। हिंदी काफ़ी उनकी अच्छी है, टूटी फूटी है, लेकिन काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा तो टेंशन मत लीजिए, हिंदी यहाँ पर जो अन्नाज हैं वो बड़े अच्छे से बोलते हैं। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है ये जगह, साफ सुथरा, क्लीन, बिल्कुल क्लीन।
दोस्तों ये और एक गेट है, इसी प्रकार से चार गेट्स यहाँ पर रामेश्वर मंदिर में हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे शंख लोग अक्सर खरीदते हैं आगे। इडली डोसा खाने का अगर शौकीन है तो मज़ा ही कुछ और है, बड़ा अच्छा से मिलता है और खाने के रेट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, यहाँ एवरेज है हमारे सिटी से जहाँ हम रहते हैं शायद। हम ये सोच सकते हैं कि इतने पुरानी जो स्ट्रक्चर था, जो बुनियाद थी, शायद आज के इंजीनियर का करना नामुमकिन है। किस तरह से बिल्ड क्वालिटी, किस तरह से फिनिशिंग और एक कलाकृति जो होती है इंसान की, वो यहाँ पर पूरा नमूना यहाँ पर पेश किया गया है और इतने सालों से यहाँ पर यह अडिग मंदिर अपने आप में एक अद्भुत है। ये दोस्तों साउथ गेट है इस मंदिर का, क्या नज़ारा है दोस्तों। ऐसे चार गेट हैं यहाँ। दोस्तों रामेश्वरम मैंने एक अच्छी चीज़ बहुत ही देखी है, ये अच्छी चीज़ यह है कि आपको सड़क पर इस तरह के पानी के टैंक जो है वो पीने के लिए रखा गया है कॉरपोरेशन के द्वारा, रामेश्वरम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो जो यात्री जो पानी प्यासे हैं वो यहाँ से पानी पी सकते हैं, ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ के प्रशासन के द्वारा। ये दोस्तों बांगड़ यात्री निवास, मेरे ख्याल से बांगड़ जो होते हैं वो राजस्थानी होते हैं, तो उनका भी यह निवास बना हुआ है, धर्मशाला है, खाने की सुविधाएं होती हैं यहाँ पे। हेलो अन्ना, हाउ आर यू? फाइन। श्री मारवाड़ी ढाबा शुद्ध शाकाहारी, दोस्तों राजस्थानी जो हैं जो नॉर्थ इंडिया खाना चाहते हैं राजस्थानी, उनके लिए भी होटल यहाँ पे उपलब्ध हैं, बहुत बहुत इजी। दोस्तों यहाँ रामेश्वरम से 150 किलोमीटर एक मदुराई का जो मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल, जो माता पार्वती और भगवान शिव शंभू के समर्पित है, सुंदर महादेव, जब भी आप रामेश्वरम आते हैं तो मीनाक्षी जो टेंपल है वहाँ का ज़रूर दर्शन कीजिए, क्योंकि शायद अगर आप मदुराई नहीं आए तो ये रामेश्वर की ट्रिप जो है आपकी अधूरी कह सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो भी वीडियो देख रहा है वो रामेश्वरम की यात्रा ज़रूर करें और भगवान रामेश्वरम की असीम कृपा उन पर बनी रहे। जय रामेश्वरम महादेव, हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।